भारतीय रेल 1853 से राष्ट्र और इसके लोगों को आपस में जोड़ता आ रहा है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो लगभग 68,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है और पूरे भारत में 7,000 से अधिक स्टेशनों को जोड़ता है। वर्ष 2019-20 में इसने 8.08 बिलियन यात्रियों और 1.21 बिलियन टन माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। और वो भारतीयों के दिलों में भारतीय रेल के लिए विशेष गौरव का स्थान है। भारतीय रेल अपने कर्षण और गैर कर्षण कार्यों में उपयोग करने की वजह से बिजली का एक बड़ा उपभोक्ता है। वर्ष 2019-20 में इसने अपने कर्षण और गैर कर्षण प्रयोजनों के लिए 20.75 बिलियन यूनिट बिजली और 2.94 बिलियन लीटर डीजल का उपभोग किया था। ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता के रूप में भारतीय रेल को 32.6% तक उत्सर्जन तीव्रता कम करने के लिए पेट योजना के तहत लाया गया था। इसके तहत आधार वर्ष के रूप में 2005 के उत्सर्जन स्तर का उपयोग करते हुए 2030 तक उत्सर्जन कम करना है। पेट योजना का आरंभ 2008 में जलवायु परिवर्तन को लेकर राष्ट्रीय कार्य योजना के नियमन में निहित है। इस योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशन स्थापित किए गए थे, जिनमें से एक उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन था। NMEEE के लिए कार्यान्वयन योजना विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने तैयार की थी। एक बाजार आधारित कार्य प्रणाली शुरू की गई थी, जिसका नाम है प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार। पेट योजना का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। पेट चक्र एक के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री परिषद ने पेट योजना को 3 नए क्षेत्र, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, विद्युत वितरण कंपनियों और भारतीय रेल तक विस्तार करने का निर्देश दिया। पेट चक्र 2 में भारतीय रेल के 22 निर्दिष्ट उपभोक्ताओं को नामित किया गया, जिनमें 16 आंचलिक रेल जिनका वार्षिक ऊर्जा उपभोग 70,000 टन तेल के समतुल्य या इससे अधिक था और 6 उत्पादन इकाइयां शामिल थीं। हमने बड़े अंतर के साथ SCC में 5.98% कमी के लक्ष्य को पार कर लिया है और प्रति कोच 409 किलो तेल के समतुल्य 41% की कमी की है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमें 659 ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी किया गया है। भारतीय रेल ने इस चुनौती को पार करने के लिए विशेष प्रयास किया और महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पार कर दिया। उसने 1,95,894 टन तेल के समतुल्य ऊर्जा बचत प्राप्त की, जो 1,18,790 टन तेल समतुल्य से ऊपर और लक्ष्य से अधिक था। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 1 मिलियन टन की कमी आई। डीजल उपभोग में 1,20,195 किलोलीटर की बचत हुई, जिसका मूल्य 805 करोड़ रुपए था। बिजली के उपभोग में 866 मिलियन किलोवाट घंटे की बचत हुई, जिसकी कीमत 498 करोड़ रुपए थी। पेट चक्र में लक्ष्य से अधिक हासिल करने का श्रेय मुख्य रूप से भारतीय रेल द्वारा उठाए गए अनेक सक्रिय उपायों को दिया जा सकता है। विद्युतीकरण अभियान के तहत रेल मार्गों का विद्युतीकरण 2016-17 के 1,646 रूट किलोमीटर से बढ़कर 2019-20 में 4,378 रूट किलोमीटर तक पहुंच गया। दिसंबर 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य है। इससे प्रतिवर्ष डीजल खपत में 2.8 बिलियन लीटर की बचत होगी और 2027-28 तक रेलवे के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 24% की कमी आएगी। हम भारतीय रेल ने सभी नए लोकोमोटिव और EMU का निर्माण 3-phase तकनीक के साथ करने का निर्णय लिया है, जिसमें सुधार करना संभव होगा। ऐसी संभावना है कि इन उपायों से लोकोमोटिव पर 10-15% और EMU पर 30% ऊर्जा की बचत होगी। हम भारतीय रेल ने परंपरागत लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव का उत्पादन बंद कर दिया है।
ऊर्जा बचत उपायों में ट्रेनों में हेड ऑन जनरेशन या HOG सिस्टम भी शामिल किया गया है। इससे विद्युत कारों में डीजल की बचत होगी और ये डीजल सेट की जरूरत को खत्म कर देगा, जो प्रकाश और वातानुकूलन के लिए कोचों को बिजली की आपूर्ति करते हैं। हमने कुछ ऐसी रणनीतियां तैयार की हैं जिन्हें हमारे लोको पायलट लागू करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय रेल मूल रूप से एक श्रम प्रधान संगठन है और हम जो भी उपलब्धि हासिल करते हैं और प्रदर्शन करते हैं वो हमारे समर्पित कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इस मामले में हमारे लोको पायलटों ने हमारे निर्देशों और रणनीतियों को अच्छी तरह से लागू किया है। हमारे अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा उनकी लगातार निगरानी की जाती रही है और उन्हें परामर्श दिया जाता रहा है। परिणाम स्वरूप दक्षिण मध्य रेलवे ने 34,637 ईसर्स जीता। भारतीय रेल ने लोकोमोटिव चालकों को प्रशिक्षित करने पर भी ध्यान दिया, जिसमें कोस्टिक का उपयोग, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग, विद्युत लोकोमोटिव की निष्क्रियता यानी इनशेड आइडलिंग को कम करना और यार्ड में गाड़ी के 15 मिनट से अधिक खड़े रहने पर ब्लोअर को बंद करना जैसे उपाय शामिल हैं। ये सभी उपाय अत्यधिक प्रभावी रहे हैं और PAT चक्र 2 के परिणामों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इंडियन रेलवे इज द बैकबोन। भारतीय रेल भारत की परिवहन अवसंरचना की रीढ़ है और ये हमेशा ऊर्जा बचत को लेकर बहुत जागरूक रहा है। यातायात में वृद्धि के कारण IR की कर्षण ऊर्जा खपत के बढ़ने की संभावना है। इससे निपटने के लिए IR ऊर्जा खपत को कम करने की दिशा में कई कदम उठा रहा है, जिसमें 3 चरणों में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग लोकोमोटिव का उपयोग, चालकों को कम ऊर्जा खपत के साथ आगे बढ़ने और यार्ड में गाड़ी के 15 मिनट से अधिक अतिरिक्त खड़े रहने पर ब्लोअर को बंद करने जैसे उपायों का प्रशिक्षण और परामर्श शामिल है। IR पैड 7 चक्र का हिस्सा है और मुझे पूरा विश्वास है कि रेलवे के सभी DC इस पैड चक्र में उन्हें दिए गए लक्ष्यों से आगे निकल जाएंगे। भारत जो जलवायु परिवर्तन पर 2015 के अंतर्राष्ट्रीय पेरिस समझौते का एक हस्ताक्षर करता है, उसने वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 33-35% तक कम करना तय किया है। वर्ष 2005 में पैट योजना में शामिल होने वाला भारतीय रेल तब के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता में से एक है। पैट योजना के चक्र 2 में शामिल होने वाला ये पहला सेवा क्षेत्र है। भारतीय रेल पर्यावरण अनुकूल बनकर उद्योगों के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पेश करने के साथ ही पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद कर सकता है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय रेल ने पैट चक्र 2 में 1300 करोड़ रुपए की ऊर्जा बचत की है। हरित भारत की ओर, उच्च स्तरीय ऊर्जा दक्षता की ओर, कार्बन उत्सर्जन में अर्थपूर्ण कमी की ओर बढ़ते हुए भारतीय रेल जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में परिवर्तन का वाहक बन रहा है।